जुरोधा ने अभी GDT ऑर्डर्स की शुरुआत की है, पर ज़्यादातर लोग इसे लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो आखिर जुरोधा पर GDT ऑर्डर क्या होता है और हम जुरोधा पर GDT ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब एकदम अच्छे से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा ब्लॉग ज़रूर विजिट करें। आइए चलते हैं पहले सवाल पर, जुरोधा पर GDT ऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं और सभी लोग स्टॉक मार्केट पर हमेशा नज़र नहीं रख सकते, जिस वजह से अक्सर ऐसे लोग शेयर्स बाई और सेल करने के सही प्राइस को मिस कर देते हैं। इसी को देखते हुए इंडिया के सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म जुरोधा ने GDT ऑर्डर की शुरुआत की है, ताकि वैसे सारे इन्वेस्टर्स जो हमेशा स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते, वो भी शेयर्स को सही प्राइस पर बाई और सेल कर पाएं। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जुरोधा ने GDT ऑर्डर सिर्फ डिलीवरी या होल्डिंग्स के लिए ही लाया है, हम इंट्राडे पर GDT ऑर्डर नहीं लगा सकते। दोस्तों, GDT ऑर्डर का पूरा नाम है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स, और इसकी हेल्प से हम एक फिक्स प्राइस पर बाई या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, और जब भी वो प्राइस आएगी, हमारा बाई या सेल ऑर्डर उस फिक्स प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर चाहे हम उस वक्त अपने ट्रेडिंग टर्मिनल या ऐप पर लॉगिन हो या ना हो। दोस्तों, जुरोधा पर GDT ऑर्डर्स के 3 टाइप्स हैं। पहला ऑर्डर है बाय GDT ऑर्डर। बाय GDT ऑर्डर से हम किसी शेयर को एक फिक्स प्राइस पर बाई करने का ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा ऑर्डर है सेल GDT सिंगल ऑर्डर। सेल GDT सिंगल ऑर्डर से हम होल्ड किए हुए शेयर्स को एक फिक्स प्राइस पर सेल करने का ऑर्डर लगा सकते हैं। और तीसरा ऑर्डर है सेल GDT OCO ऑर्डर, जिसे हम सेल GDT वन कैंसिल्स अदर ऑर्डर भी कहते हैं। सेल GDT OCO ऑर्डर से हम अपने होल्ड किए शेयर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों तरह के ऑर्डर्स एक बार में ही लगा सकते हैं, और जब भी इन दोनों ऑर्डर्स में से कोई एक ऑर्डर ट्रिगर होता है तो हमारा दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, हम जुरोधा पर GDT ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, GDT ऑर्डर्स को लगाने के लिए हमें उसके अंदर दो प्राइस सेट करनी होती है। एक को हम ट्रिगर प्राइस कहते हैं और दूसरे को हम लिमिट प्राइस कहते हैं। ट्रिगर प्राइस आने पर जुरोधा हमारा ऑर्डर एक्टिवेट करके एक्सचेंज पर सेंड कर देती है, पर शेयर्स बाई या सेल हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पर ही होते हैं। और दोस्तों, ध्यान रहे कि ट्रिगर प्राइस को हमेशा करंट प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में ही सेट करना होता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं इन्फोसिस की एक शेयर की प्राइस अभी 100 रुपये है और हम इन्फोसिस के शेयर्स को 95 रुपये पर बाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बाय GDT ऑर्डर लगाना होगा। बाय GDT ऑर्डर के अंदर हमें लिमिट प्राइस 95 रुपये सेट करना होगा, और ट्रिगर प्राइस को हमने करंट प्राइस 100 रुपये और लिमिट प्राइस 95 रुपये के बीच में 96 रुपये सेट कर दिया। तो जब भी इन्फोसिस की शेयर प्राइस कम होकर 96 रुपये आएगी तो हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट बाई ऑर्डर 95 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा, और जैसे ही प्राइस और ज़्यादा गिरकर 95 रुपये आएगी, हमारे शेयर्स बाई हो जाएंगे। ये था दोस्तों बाय GDT ऑर्डर। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से इन्फोसिस के शेयर्स डीमैट में हैं और हम उन शेयर्स को 105 रुपये के प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सेल GDT सिंगल ऑर्डर लगाना होगा। ऑर्डर के अंदर हम लिमिट प्राइस को 105 रुपये सेट करेंगे और ट्रिगर प्राइस को हमने करंट प्राइस 100 रुपये और लिमिट प्राइस 105 रुपये के बीच में 104 रुपये सेट कर दिया। तो जब भी इन्फोसिस की शेयर प्राइस बढ़कर 104 रुपये आएगी तो हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 105 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा, और जैसे ही प्राइस और ज़्यादा बढ़कर 105 रुपये आएगी, हमारे शेयर्स सेल हो जाएंगे। ये था दोस्तों सेल GDT सिंगल ऑर्डर। अब चलते हैं सेल GDT OCO ऑर्डर की तरफ। मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से इन्फोसिस के शेयर्स डीमैट होल्डिंग्स में हैं और हम चाहते हैं कि अगर इन्फोसिस की शेयर प्राइस तेज़ी से नीचे जाने लगे तो हम उसे सेल करके बड़े लॉस से बच सके, साथ ही साथ अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो हम उसे सेल करके प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, हमें इसके लिए अपने शेयर्स पर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर्स दोनों एक साथ लगाना होगा। इसलिए हमें सेल GDT OCO ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों के लिए अलग अलग ट्रिगर और लिमिट प्राइस सेट करना होगा। तो दोस्तों, अगर इन्फोसिस की शेयर की करंट प्राइस 100 रुपये है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस को 96 रुपये और लिमिट प्राइस को 95 रुपये सेट कर देंगे, और टारगेट ऑर्डर के लिए हम ट्रिगर प्राइस को 104 रुपये और लिमिट प्राइस को 105 रुपये सेट कर देंगे। इस तरह दोस्तों, हम अपने होल्डिंग्स पर अपना मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों सेट कर सकते हैं। अब अगर इन्फोसिस की प्राइस गिरकर 100 रुपये से 96 रुपये हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 95 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा।
और हमारा टारगेट ट्रिगर और लिमिट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। पर अगर इन्फोसिस की प्राइस बढ़कर 100 रुपये से 104 रुपये हो जाती है तो हमारा टारगेट ट्रिगर हिट हो जाएगा और एक लिमिट सेल ऑर्डर 105 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर और लिमिट ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये था दोस्तों सेल GTT OCO ऑर्डर। तो दोस्तों अगर हम शेयर मार्केट में रेगुलर एक्टिव नहीं रहते तो हम GTT ऑर्डर की हेल्प से शेयर्स को अपनी पसंद की प्राइस पर सेल या बाई कर सकते हैं और साथ ही साथ GTT ऑर्डर से हमें स्टॉक मार्केट में आने वाली अचानक गिरावट और होने वाले भारी लॉस से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिरोधा GTT ऑर्डर के ऊपर। इसमें हमने जाना कि जिरोधा पर GTT ऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम जिरोधा पर GTT ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।